जी, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे अपना। क्यूटेनियस ग्लैंड से पहले आपने एक चीज याद करनी है, जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, और एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन से हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो बॉडी से बाहर सिक्रीट करते हैं कुछ, कोई भी चीज़, उसको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड, पहले क्यूटेनियस ग्लैंड पढ़ने से पहले हम करेंगे। और एक्सोक्राइन ग्लैंड में नंबर वन हमारे पास आता है होलोक्राइन, ठीक है। उसके बाद आता है एपोक्राइन, ठीक है, और आता है हमारे पास मीरोक्राइन। अब जब आपको ये नाम याद होंगे तो आपके लिए आसान होगा। ये जो है होलोक्राइन ग्लैंड है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्क्यूटेनियस ग्लैंड्स में। हमारे पास दो ग्लैंड्स आते हैं, एक होता है स्वेट ग्लैंड्स और दूसरा हमारे पास होता है स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, और दूसरे एक हमारे पास होते हैं सबीशियस ग्लैंड। सबीशियस ग्लैंड होते हैं जो अब आपके ऑयल, और स्वेट ग्लैंड्स हमारे, अब हमारे पास ये दोनों ग्लैंड्स के अंदर कौन कौन से ग्लैंड्स पड़े होते हैं। अब जो सबीशियस ग्लैंड है उसके अंदर होता है होलोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, ये सबीशियस। और एपोक्राइन और मीरोक्राइन जो होता है इसके, ये जो होते हैं हमारे पास स्वेट ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये इसलिए मैंने आपको पहले याद कराया कि याद करना मुश्किल होता है। तो होलोक्राइन, एपोक्राइन, मीरोक्राइन तीन ग्लैंड हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और उससे आगे आप यहाँ से आसानी से आपको पता चला कि होलोक्राइन जो होता है, जो होलोक्राइन ग्लैंड होता है वो प्रेजेंट होता है सबीशियस ग्लैंड के अंदर, और एपोक्राइन और मीरोक्राइन जो है वो स्वेट ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होता है। अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं कि सबीशियस ग्लैंड कहाँ कहाँ पे होते हैं, सबीशियस ग्लैंड क्या क्या सिक्रीट करते हैं, किस किस चीज़ें। तो हम लोग इसको सबीशियस ग्लैंड, ठीक है, सबीशियस ग्लैंड जो है हमारी बॉडी के होलोक्राइन होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे, दे आर द होलोक्राइन, ठीक है। होलोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये हमारे पास पूरी बॉडी में होते हैं, एक्सेप्ट पाम एंड सोल्स, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास किसके अंदर पोर होते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कहाँ पे पोर होते हैं हमारे हेयर फॉलिकल्स के अंदर, सेबेशियस ग्लैंड हेयर फॉलिकल्स के अंदर। और उसके बाद हमारे पास एक और ग्लैंड्स होते हैं मियो, हमारे पास एक और ग्लैंड होते हैं जिसको कहते हैं, अच्छा इसमें हमारे पास निकालते क्या हैं ये लोग, अच्छा ये हमारे पास सिक्रीट क्या करते हैं, जो सब्सटेंस ये सिक्रीट करते हैं उसे कहते हैं हम लोग सीबम। सिक्रीशन का नाम है इसका, क्या नाम है, सीबम। अच्छा एक और चीज़ आपने इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है वो है मीबोमियन ग्लैंड्स कहाँ पे होते हैं। अब ये जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है, मीबोमियन ग्लैंड जो है ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये आपसे किसी चीज़ में पूछ जा सकते हैं। मीबोमियन ग्लैंड जो होते हैं ये भी सबीशियस ग्लैंड होते हैं, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, जो आई लिड्स के ऊपर होते हैं। कहाँ पे, आई लिड्स ग्लैंड, ठीक है। आई लिड्स जो है उसके अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं सीबम को, उसको मियोबियन। इसके अंदर नो हेयर फॉलिकल्स, मीन के इसके अंदर डिस्चार्ज जो होते हैं, सिक्रीटिंग जो होती है वो डायरेक्ट होती है, बल्कि हेयर फॉलिकल्स के थ्रू नहीं होती, ठीक है। हेयर फॉलिकल्स के थ्रू नहीं होती, यहाँ पे डायरेक्ट सीबम जो है वो सिक्रीट होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फेस और स्कैल्प के ऊपर काफ़ी ज़्यादा होता है, और सीबम को हम लोग कंट्रोल करने के लिए कोल्ड क्रीम में इस्तेमाल करते हैं अपने अपनी स्किन के ऊपर, ताकि हमारी जो स्किन है ऑयली स्किन वाले जो होते हैं वो कोल्ड क्रीम्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं कि हमारी जो सीबम है वो उसकी प्रोडक्शन कम हो जाए। अब उसके बाद हम आ जाते हैं स्वेट ग्लैंड्स के ऊपर, ठीक है। तो स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो टू टाइप्स ऑफ स्वेट ग्लैंड्स जो हैं इसके अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, मीरोक्राइन एंड एपोक्राइन, ठीक है। तो ये हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि ये स्वेट ग्लैंड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओके, तो स्वेट ग्लैंड्स हमारे पास, स्वेट ग्लैंड जो होते हैं वो सिंपल होते हैं, ठीक है, सिंपल होते हैं, कॉइल्ड की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, या फिर ट्यूबलर होते हैं।
स्वेट ग्लैंड ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारी पूरी बॉडी के ऊपर स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ किस में नहीं होते? एक्सेप्ट नेल बेड, मार्जिन ऑफ लिप्स, ये चीज़ें जो है ना नोट कर ले, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो साथ साथ ले ले, ठीक है? मार्जिन ऑफ लिप्स, उसके बाद ग्लैंड पेनिस और ईयर ड्रम में नहीं होते, ठीक है? ग्लैंड पेनिस और ईयर ड्रम में नहीं होते। उसके बाद ये कहाँ पे ज़्यादा होते हैं? पाम्स में होते हैं, फॉरहेड में होते हैं और सोल्स में होते हैं। जो सेबीशियस ग्लैंड थे वो हमारे पास पाम्स और सोल्स में नहीं थे, लेकिन हमारे पास स्वेट जो ग्लैंड हैं वो पाम्स और उसमें होते हैं। द सिक्रेटरी पोर्शन ऑफ द, जो हमारे पास जो सिक्रेटरी, जहाँ से सिक्रीशन होती है, जहाँ से स्वेट ग्लैंड की सिक्रीशन होती है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? सिक्रेटरी, सिक्रेटरी पोर्शन होता है, तो सिक्रेटरी पोर्शन जो हमारा कहाँ पे होता है? डर्मिस के अंदर होता है, ठीक है? और उसके बाद हमारे पास डर्मिस के बाद हम लोगों ने जो सिक्रीशन जो होती है, हमारे पास जितनी भी सिक्रीशन होती है, जो भी सिक्रीशन होती है स्वेट ग्लैंड में, सॉल्टी लाइक स्ट्रक्चर, सॉल्टी लाइक और क्लियर और वाटरी फ्लूड होता है। गर्मियों में हमारे पास ज़्यादा स्वेट ग्लैंड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्वेट ग्लैंड जो होते हैं वो अपने अपनी वर्किंग एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कहाँ से निकलते हैं? मीरोक्राइन से निकलते हैं। और सबसे ज़्यादा लार्ज जो स्वेट ग्लैंड जो होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एक्जिला में, एरोला में, निपल में, लेबिया मेजोरा में एंड अदर एनल मार्जिन के अंदर होते हैं। और इसमें हमारे पास जो प्रोडक्शन होती है वो थिक होती है, दूसरे स्वेट ग्लैंड के निस्बत इसके अंदर जो प्रोडक्शन होती है वो स्वेट थिक होती है, ठीक है? और इसमें हमारे पास जो थिक वाली, थिक देखें, जो थिन वाली प्रोडक्शन है वो हमारे पास जो है वो मीरोक्राइन करता है, और जो थिक वाली करता है वो एपोक्राइन करता है, और जो थिक में एपोक्राइन के साथ साथ मीरोक्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं, ठीक है? टू टाइप्स ऑफ सिक्रीशन होती है, थिक और थिन। तो जो थिक वाली होती है वो मीरोक्राइन, थिन वाली जो होती है वो मीरोक्राइन, और थिक वाली एपोक्राइन भी वहाँ पर सिक्रीशन होती है, और उसमें दूसरी मीरोक्राइन, दोनों की सिक्रीशन हमारे पास होती है। और उसमें हमारे पास एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि एक ग्लैंड ऑफ मोल होता है जो आई लिड के मार्जिन में होता है, ग्लैंड ऑफ मोल, ठीक है? ये हमारे पास आई लिड में होता है और मेमरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट जो है वो सिर्फ एक टॉपिक रह गया जिसमें सुपरफेशियल फेशिया और डीप फेशिया को हमने पढ़ना है, और लास्ट टॉपिक है ये, इसके ये सेकंड लास्ट टॉपिक था, इसके बाद लास्ट टॉपिक है। तो उसके बाद फिर हम लोग ये जैसे सेकंड चैप्टर है हमारा वो क्लियर हो गया सारा। अगर आपको किसी किसी चीज़ की भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ लें, ठीक है? और मैं इंशाल्लाह आंसर करूँगी, और साथ ही मैं आप लोगों को ईमेल भी दे देती हूँ, आप ईमेल में के ऊपर भी मुझसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं।